Hi एवरी वन आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट guys, एज यू ऑल नो कि हमारा एम ए टी ऑनलाइन के एग्जामिनेशन बहुत ही पास हैं एंड उसके एग्जामिनेशनस के पहले आज मैं अपने लैपटॉप पर कुछ अपनी बेसिक सेटिंग्स कर रही थी जो कि हमारे लिए मैडेटरी है कि हम उन सेटिंग्स को एक बार देख लें बिफोर आर एग्जामिनेशन सो दैट जो हमारा एक्सपीरियंस है ना एग्जामिनेशनस का वो बहुत ही सीमलेस हो सके क्योंकि कि किसी भी टाइप का इंटरप्शन आ जाएगा या किसी भी टाइप का कुछ अगर हमने सेटिंग्स में कुछ इशू कर दिया और अगर एग्जामिनेशन के बीच में कुछ दिक्कत आ जाती है तो डायरेक्टली हमारा जो एग्जाम है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा सो so, आज मैं अपने लैपटॉप पर कुछ सेटिंग्स कर रही थी सो आई थॉट कि उन वाली सेटिंग्स को रि वीडियो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपको भी दिखाना चाहिए सो so दैट कि एक बार ही आपको भी रिमाइंडर मिल जाए एंड आपको भी बेसिकली पता लग जाए कि किस किस टाइप की हमें सेटिंग्स मैंडेटरी हैं ठीक है एंड आज मैं आप आपके साथ ही लाइव अपनी वीडियो अपनी सेटिंग्स कर रही हूँ अपने लैपटॉप पर सो so दैट आपको भी पता लग सके एंड मेरी भी हेल्प हो जाए एंड अगर इनकेस मेरे से कुछ मिस आउट हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना ठीक है एंड उन लोगों के लिए भी ये वीडियोज हेल्पफुल है कि वो एम से नहीं भी हैं लाइक वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपना ये आज की वीडियो देख रहे हैं सबके हेल्पफुल है जिनके भी ऑनलाइन ई प्रॉक्टर बेस्ड एग्जामिनेशन है फर्स्ट टाइम एंड हम लोगों को कुछ बेसिक सेटिंग्स के बारे में नहीं पता होता ठीक है सो आई विल मेक श्योर कि मैं आज की वीडियो में अपनी सारी ही ये चीजें डिस्कस करूंगी एंड आई आई विल मेक श्योर कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे वीडियो ठीक है so, सो फिर चलते हैं वीडियो में एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो माई चैनल फॉर सच यूजफुल अपडेट्स एंड आपको मेरे चैनल पर ऐसा बहुत सारा यूजफुल कंटेंट देखने को मिलता रहता है तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं आज की वीडियो में सो गाइस सबसे पहले हम ये सर्च बार पे जाके अपना सिंपली सर्च कर लेंगे नोटिफिकेशंस एंड आप विंडो बार पे भी करके देख सकते हो ठीक है नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके आप आपको सामने नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स एंड सेंडर्स पहले हमें ये सब अनटिक करना है एंड ये जो ऑन है ना नोटिफिकेशन हमें ये ऑफ करने हैं नीचे आप देख सकते हो विंडो सिक्योरिटी का भी हमारे पास ये ऑप्शन आया है ये हमारा हिंड्रेंस कर सकता है हमारे ऑनलाइन एग्जाम के लिए सो मेक श्योर कि आपके सारे नोटिफिकेशंस ऑफ हों आप ये देख सकते हो विंडो सिक्योरिटी के लिए जस्ट अभी मेरे पे नोटिफिकेशन पे आया था पॉपअप तो हमारा एग्जाम रोक सकता है ठीक ठीक है, है, एंड एंड हमें सबसे पहले अपने नो, नो, बंद करने हैं, है, तो कर है, किसी टाइप के पॉपअप हमारे जाते हैं तो डीएनडी मोड हमारा श्योर करेगा कि जो हमारा नोटिफिकेशन सेंटर है ना वहां पर नोटिफिकेशन डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो ना कि हमारी मेन स्क्रीन पर एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारा हमारे पास स्टिक्स है ऑप्शन ठीक है ये हमारा बेसिकली फोकस मोड भी इसे आ जाता है डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ना तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल होगा सो so मेक श्योर sure कि आप डी एंड डी मोड को भी ऑन रखें फॉर योर सेफर साइड एंड इसके बाद हम बेसिकली अपना सर्च बार पे जाके बेसिकली नॉर्मली अपना सर्च कर लेते हैं साउंड सेटिंग्स तो साउंड में जाएंगे यहाँ पर अब देख लेते हैं यहाँ पर कोई सेटिंग है आप ये देख सकते हो हमारे पास टच की बोर्ड के भी जैसे कुछ पॉप अप साउंड आते हैं ना एंड ये हमारे की बोर्ड सेटिंग्स भी हैं बेसिकली कि फर्स्ट लेटर जो अपने आप कैपिटलाइज हो जाता है एंड uh, यहाँ पर हमारा वॉइस टैपिंग का माइक बटन आता है सजेशंस में बेसिकली आता है तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंगली इसको स्विच ऑफ़ कर सकते हो ठीक है एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे अनटिक कर रही हूँ एंड उसके बाद आप नीचे देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके आपको देखने को मिल रहा है ऑटो करेक्ट मिस स्पेल्ड वर्ड्स तो ये ऑटो करेक्शन भी मेरे हिसाब से आपको ऑफ रखनी चाहिए क्योंकि कुछ पता नहीं है कि यहीं से ही हमारा प्रॉप्टर आपको वार्निंग दे दे आपके एग्जाम में ठीक है एंड लिखा हुआ हाईलाइट्स मिस स्पेल्ड वर्ड्स तो आप इसको भी एक बार ही ऑफ ही रखना किसी भी टाइप के हमें सजेशन नहीं देखने चाहिए एंड उसके बाद मैं दोबारा सर्च बार पे जाकर नॉर्मली सर्च करूँगी पॉपअप्स ठीक है पॉपअप्स जो हमारे स्क्रीन पे अचानक से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं इसको भी मैं यहाँ से अपना टर्न ऑफ कर देती हूँ क्योंकि हमारे जो मेटल हमारा जो क्रोम एक्सटेंशन है उस पर साफ साफ लिखा हुआ आता है कि अवॉइड एनी पॉपअप्स ऑन स्क्रीन ठीक है तो इसके लिए भी मैंने इसको यहाँ से टर्न ऑफ कर दिया आप देख सकते हो ठीक है एंड ओके okay पे अप्लाई करेंगे हमारे सारे ही जो हमारे पॉपअप्स हैं ना वो इससे ब्लॉक हो जाएंगे जो हमारा क्रोम हम यूज़ करेंगे हमारे एग्जामिनेशन के बीच में बहुत सारे अक्सर हमें पॉपअप देखने को मिल जाते हैं सो उस चीज़ के लिए हमें ये मेक श्योर करना है कि पॉपअप हमारे एटलीस्ट सारे बंद हो और उसके बाद मैं दोबारा नोटिफिकेशन सर्च कर रही हूँ एंड हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास सारी सेटिंग्स ऑफ होनी चाहिए एंड मेक श्योर कि आपका डी एन डी मोड आपका ऑन हो इससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिलने वाली है एंड डी एन डी मोड के नीचे आप देख सकते हो हमारे पास ये कुछ सेटिंग्स आ रही हैं टिक हैं एंड वेन यूजिंग एन ऐप इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेना एंड इसके अकॉर्डिंगली आप अपना आराम से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस अब आप इसके बाद जैसे ही देखते हो ना नेट पे मैं जाती हूँ तो नो इंटरनेट मेरे लैपटॉप पर आ रहा है तो नो इंटरनेट का मतलब ये वही है जो मेरा वाईफाई में मैं अक्सर प्रॉब्लम देखने को मुझे मिल जाती है आप देखोगे ना नो वाईफाई नेटवर्क फाउंड आता है हमारे वाई में इवन मेरा मोबाइल में आराम से मेरा वाई चल रहा होता है बट यहाँ पर मेरा कोई वाई नेटवर्क मेरा नहीं शो हो रहा लैपटॉप में तो इसका मैंने आपको सोल्यूशन अपनी लास्ट वीडियो में बता रखा है एक बारी आप ये सिंपली जाओगे यहाँ पर अपने सर्च बार पर एंड डिवाइस मैनेजर पर हमें क्लिक करना है सॉरी विंडोज आइकन पर जाकर डिवाइस मैनेजर पर क्लिक करोगे इसको मिनि करोगे एंड नीचे आपको दिख रहा है नेटवर्क अडेप्टर हमें यहाँ से ना अपने सारे ड्राइवर्स को अपडेट करते जाना है जैसे कि मैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ ठीक है एंड ये आपका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अगर आपके वाईफाई में आपके लैपटॉप में भी अगर आपको सेम टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है ना बिलीव मी ये वाला हैक बहुत बहुत काम का है मतलब मेरे तो बहुत काम का आता है बाकी आप आप भी एक बार इस हैक को ट्राई कर सकते हो आपके नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए बेसिकली अब ये नेटवर्क अडेप्टर को जितने अच्छे से ये सारा अपडेटेड रखोगे ना आपके नेटवर्क अडेप्टर्स को तो आपको जो वाईफाई आपका बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है कि वाईफाई हमारा स्मूथ रहना चाहिए हमारा स्टेबल कनेक्टिविटी होनी चाहिए फॉर आर स्मूथ सीमलेस एग्जामिनेशन प्रोसेस राइट एंड ये हमारा विंडोज अपडेट भी हम एक बारी देख लेते हैं विंडोज़ अपडेट भी हमारा अगर uh, है तो आप अपना अपडेट कर सकते हो बाकी एग्जामिनेशन के टाइम पर मेक श्योर कि बैकग्राउंड में आपका किसी भी टाइप का अपडेट ना रन हो रहा हो ठीक है एंड ड्राइवर्स अपडेट करने के बाद ना आपको सिंपली आपका लैपटॉप रिफ्रेश करना है रिफ्रेश करने के बाद आपको सिंपली रिबूट करना है मीनस री करना है रिस्टार्ट करोगे आपका ये जो वाई का प्रॉब्लम है ना ये सारा सही हो जाएगा एंड विंडो के आइकन पे जाके आप रीस्टार्ट पे क्लिक करना रीस्टार्ट पे हम क्लिक करते हैं एंड रिफ्रेश के बाद हमारा आराम से अपना यहाँ पर पे, पे क्लिक करूंगी मैं और मेरा सारा लैपटॉप दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा अब आप ये देख सकते हो मैंने अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कर लिया है ठीक है एंड हम देख लेते हैं अगर वाईफाई कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ एंड आप ये देख सकते हो हेअ वी गो हमारे पास ये नेटवर्क हमारा शो हो रहा है मेरा वाईफाई एंड आप देख सकते हो बहुत स्मूथ मेरा इंटरनेट चल रहा है एंड किसी भी टाइप का इंटरप्शन अब नहीं आएगा ठीक है तो अब एक बारी वापस चलते हैं, कोई सेटिंग हमारी रह तो नहीं गई एंड मेक श्योर कि आपके सारे नोटिफिकेशन ऑफ हों एंड माइक्रोफोन को हमें एक्सेस करना ही है क्योंकि हम जो हमारा प्रोक्टर के साथ इंट्रैक्शन होगा तो तो वो सारा इंट्रैक्शन हमारा माइक्रोफोन के थ्रू ही होगा ठीक है एंड uh, नोटिफिक uh, आपको माइक्रोफोन एंड जो आपका कैमरा है आप उसको एक बारी देख लेना ये मैं कैमरा भी चेक कर लेती हूँ एक बारी कैमरा भी आपका अलाउ होना चाहिए आपकी सारी uh, हमारे प्रॉक्टरिंग के लिए एंड आपका जो माइक माइक्रोफोन है उसको भी हमें अपना एक्सेस दे के रखना है फॉर आर स्मूथ प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड ये आप देख सकते हो कैमरा एक्सेस ऑन है मेरा एंड uh, यहाँ से मैं जो अन है एक बार उनको भी ऑन कर देती हूँ व्हाट्सअप जो मेरे खैर कैमरा तो हमारा नॉर्मली हमें चाहिए होता है एंड ये कैमरा सेटिंग्स पर जाओगे ना जब आप आपको कनेक्टेड कैमरास का एक ऑप्शन दिख रहा है आप ये देख सकते हो मेरा एच पी टू विजन एच डी कैमरा का नाम आ रहा है एंड मैं यहाँ पर ये इसका मेन्यू में जाऊँगी ठीक है एंड ये बेसिक जो हमारी लाइटनिंग जो हमारी बेसिक सेटिंग्स होती है ना लाइक हमारे फिल्टर के लिए फेस हमारा सो so दैट जो हमारा क्लियर अपना कैप्चर हो पाए बेसिकली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन तो मैं यहाँ पर अपना बेसिक एक्सपोजर एंड ब्राइटनेस अपना थोड़ा सा लेवल मेंटेन करूँगी ताकि जो एग्जामिनर को मेरा जो फेस है वो प्रॉपरली डिटेक्ट हो पाए ठीक है एग्जामिनेशन के लिए मैं कंट्रास्ट भी नॉर्मल रखूँगी कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा मत करना क्योंकि आपका फेस पूरा ब्लैक हो जाएगा एंड शार्पनेस हमारा बेसिक क्लैरिटी के लिए होता है एंड सेचुरेशन थोड़ा सा हमारा फोटोज uh, में कलर color, कलरेशन के लिए होता है लाइक like, कलर डालने के लिए ना थोड़ा सा जैसे कलर ग्रेडिंग होती है तो वैसे होता है नॉर्मली तो आप ये सेटिंग्स को थोड़ा देख सकते हो एंड uh, मैं वापस जाऊँगी एंड यहाँ पर मैं नॉर्मली एक बार देख लेती हूँ एंड अब ये बेसिकली अपना कैमरा सेटिंग्स एंड माइक्रोफोन को भी एक्सेस दे के रखना एंड अगर आपको कोई कैमरा रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप ट्रबल शूट कर सकते हो आप आपको ऊपर ऑप्शन दिख जाता है ट्रबल शूट का तो आप ये ट्रबल शूट कर देना एंड जो भी आपकी डिटेल्स मांग रहा है आप उसको अकॉर्डिंग उसको देख के अपना ट्रबल शूट करवा सकते हो एंड आपके जितने भी कैमरा रिलेटेड इशूज़ हैं वो आपके सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे एंड उसके बाद मैं सबसे मैंडेटरी स्टेप पर आती हूँ मैंने आपको सारी वीडियोस में बताया है कि मेक श्योर sure कि आपका जो ग्रामरली है ना वो वो आप, आपका आपका ऑफ़ हो एंड ग्रामरली में हमारा वर्ड स्पेलिंग करैक्टर जो आते हैं वो आपका ऑफ हो मैं सिंपली सर्च करती हूँ ग्रामरली ठीक है एंड ग्रामरली आप साइड पर देख सकते हो मेरा ये हमारा विंडो स्क्रीन पर मेरा शो हो रहा है तो मैं इसको यहाँ से सिंपली अपना अन कर दूँगी एंड इसके बाद ना मेरे मेरे को फिर भी नोटिफिकेशन आ रहे थे आप एक बार देखते रहना मैंने कैसे अपना इसको करा था ये मैंने डिलीट कर दिया ठीक है यहाँ से एंड मैं एक बार दोबारा जाती हूँ सर्च बार पे तो मतलब मेक श्योर कि जो आपके वर्ड्स जो वर्ड्स करेक्टर होते हैं एंड जो हमारा सजेशंस टूल होते हैं ना वर्ड्स करेक्शन्स के लिए एंड जो डिक्शनरी बेस्ड हमारे ऐप ऐप्स होते हैं वो आपको सारे नोटिफिकेशनस को ऑफ रखना है क्योंकि वो हमारा दिक्कत कर सकते हैं एग्जाम में तो मैं यहाँ पर अपना सिंपली लिख लेती हूँ स्पेलिंग uh, करेक्टर टाइप जैसे हमारा स्पेलिंग के लिए जो हमारे काउंटर्स होते हैं जो हमारे करेक्टर्स होते हैं वर्ड करेक्टर टूल्स जो होते हैं ना वो हम मेक श्योर की वो हमारा कोई भी दिक्कत ना करे बीच में <laughs> यहाँ पर याँ आप देख सकते हो कि मैंने अपना टाइपिंग वाले बोर्ड पर जाके लिखा हुआ है ऑटो करेक्ट मिसपेल्ड वर्ड्स एंड यहाँ पर आपको देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेकेंड ऑप्शन है शो टेक्स सजेशंस अब जब आप टाइपिंग करोगे ना आपके आप, आपके उस पर कीबोर्ड पर तो आपका ना सजेशन आएगा जैसे हमारे वर्ड सजेशन आते हैं आप देखते रहना वीडियो में मैंने ये मॉक टेस्ट में भी एक ट्राई करा था सो आपके लिए हेल्पफुल यूजफुल रहेगी चीज़ें एंड ये सारे प्रोसेस करने के बाद ना आप एक बारी क्रोम के एक्सटेंशंस को भी चेकआउट कर लेना क्योंकि उसमें भी कई बारी हमारा ग्रामर का एक्सटेंशन या वर्क वर्ड करेक्शन का एक बारी जो हमारा एक्सटेंशन होता है वो एडेड होता है आप ये सिंपली क्रोम पे जाओगे आपको लास्ट में ऑप्शन दिखेगा बीच में सॉरी देख देख सकते हो एक्सटेंशन का मुझे ऑप्शन दिख रहा है मैनेज एक्सटेंशन पर मैं क्लिक करूँगी मैनेज इंस्टेंशन पे क्लिक करके ये देखो जैसे मेरा ए आई एक्सेल बॉट का जो फॉर्मुलाज का होता है ना ये हमारा पॉपअप देता रहता है तो मैं यहाँ से अपने एक्सटेंशन को भी यहाँ से डिलीट कर दूंगी सो so दैट कि मुझे इसी टाइप का कोई भी अपना नो, नो, नोटिफिकेशन या पॉपअप ना पाए एंड आप ये देख सकते हो हमारा मेटल टेस्ट का हमारा इनेबल स्क्रीन शेयरिंग है ये हमारा मेक श्योर की आपके क्रोम में एडिड हो क्योंकि इसी से ही हमारा सारा ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग होगी हमारे एग्जामिनेशन में ठीक है एंड उसके बाद मैं अपने मॉक टेस्ट पे चलती हूँ एंड मॉक टेस्ट पे आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमारा सजेशन टूल जो हमारा हमने अभी इनेबल करा है अपनी सेटिंग्स में वो कैसे वर्क करता है एंड मॉक टेस्ट के ऊपर गाइज मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि आपको मॉक टेस्ट कैसे करना है एंड गाइज मैंडेटरी है मॉक टेस्ट आपको करना सो so दैट आपको तभी आपका एग्जामिनेशन आपको uh, कंडक्ट करवाया जाएगा नहीं तो आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा सो मेक श्योर कि आप मॉक टेस्ट वाली वीडियो को जरूर जरूर चेकआउट करें एंड लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा सो मेक श्योर कि आप वो वाली वीडियो को चेकआउट करें एंड अब ये मेरा मॉक टेस्ट आ गया है मैं मॉक टेस्ट के डायलॉग बॉक्स पे सिंपली अपना टाइप करके देखती हूँ ठीक है एंड आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो हमारा वर्ड सजेशन आते हैं ये आप देख सकते हो न मैं 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 मैंने इक्लेब्रियम लिखा इनक्यू इक्वमेंट में कुछ भी लिख रही हूँ तो बेसिकली ऊपर हमारे पास सजेशनज आ रही हैं आप ये देख सकते हो इक्लेब्रियम मैंने लिखा नॉर्मल एंड हमारे पास ये बेसिकली ये आ, आती रहती है एंड ये देखो आप इससे पता लग रहा है कि हमारे पास अभी कोई वार्निंग नहीं आ रही प्रॉक्टर के साइड से तो ये आप कर भी सकते हो एंड आपकी प्रेफ्रेंस के ऊपर अगर आप करना चाहो तो अपना ये जो विंडोज़ का जो डिफॉल्ट वाला वर्ड करेक्टर या वर्ड सजेशन टूल होता है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है बाकी जो कोई थर्ड पार्टी एप्स होते हैं बेसिकली ग्रामरली हो गए या फिर कोई जो ऐप uh, आप अलग से डाउनलोड करते हैं ना वो दिक्कत करेंगे आपको एंड मेक श्योर कि आपके सामने कोई पॉपअप ना आए ये वर्ड करेक्शन जो नॉर्मल नॉर्मल टूल्स हैं ना बाकी सारे स्टूडेंट में से पूछ रहे थे कि सिमरन जो वीडियोज़ का विंडोज़ uh, का जो डिफॉल्ट वाला ऑप्शन होता है वर्ड करेक्टर तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये देख सकते हो मैंने ये सारा अपना प्रोसेस इसीलिए करके दिखा दिया आ, कि आपको भी पता लग जाए एंड मैंने भी अपना ट्राई करना था कि हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इससे तो देखो मेरे को तो ऐसे भी ठीक है एंड मैं अपना मेक श्योर करूँगी कि मेरा ये ऑफ ही हो क्योंकि मुझे ना थोड़ी इससे कन्फ्यूजन सी होती है ना तो फिर मैं इसको ऑफ़ करूँगी बाकी प्रेफरेंस है आपकी अगर आप पढ़ना चाहो तो आप कर सकते हो आपको ये सजेशन ऊपर दिखती रहेंगी एंड आपका स्पेलिंग मिस्टेक से बेसिकली ये बचाने में थोड़ा आपकी हेल्प करेगा एंड अब ये देख सकते हो हमने अभी एक मिनट हमने ये वाला अपना टूल अपना ओपन करा था शो टेक्स डिसेसन्स वाला आप ये देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ से मैं ऑफ कर दूँगी तो ये मेरे सजेशन आना बंद हो जाएंगे अभी मैं बैक में जाकर दिखाती हूँ दोबारा ये देख सकते हो अब मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहे अभी देख सकते हो जैसे मेरा रेड लाइन पर शो हो, हो रहा है ये मेरी ये ग्रामली का दोबारा से हो गया इवन हमने अभी अनइंस्टॉल भी करा है जो हमारा अपना सॉफ्टवेयर था ग्रामरली बट स्टिल हमारे पास ये सजेशन आ रही हैं तो एक बार देख लेते हैं आपको इन सजेशन को कैसे ऑफ करना है मैं आपको बता देती हूँ ठीक है एंड ये ग्रामरली को ऑफ करने के लिए आप ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है ना वर्ड्स पे आप इस पर क्लिक करना एंड आपको ना साइड पे ये गोल्स ऑप्शन दिख रहा है आप देख सकते हो ठीक है एंड यहाँ पर आप डबल टैप करना डबल तो, सॉरी राइट क्लिक करोगे ना आपको ये सेटिंग्स में जाके आप ये लिखा हुआ है ना ये टर्न ऑफ सजेशन ऑन टेस्ट मेटल डॉट कॉम तो आप इसको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना एंड यहाँ से आपकी सजेशन आना बंद हो जाएंगी आप इसको मेक श्योर sure कि आप ये वाला भी ऑफ करके चलें क्योंकि एक तरह का ये पॉपअप ही है तो पॉपअप पॉपअप आपको एक बार दिक्कत कर सकता है ना आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन में तो इसीलिए मेक श्योर कि ये ऑफ हो एंड उसके बाद मैं ये कुछ टेबल्स बना के ना इस पर ये थोड़ा सेल्स और रो को ना थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर ठीक है एंड मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रही थी तो मुझे बार बार अपने ऐसे ना वार्निंग्स मिल रही थी मतलब नौ वार्निंग्स के बाद भी मतलब ना मैं एक बार ही देखना चाहती थी कि किस तरीके से टेस्ट ये मेरा क्लोज़ होता है तो अभी देख सकते हो ये मेरा सारा मेरे अपनी ये जो हमारी टर्नस थी उसके बाद ये मेरा प्रॉपर सारी वार्निंग्स के बाद मेरा डायरेक्ट मेरा टेस्ट कैंसिल ही हो गया आप ये मैं सोच कर चलना कि हमारा जैसे मॉक टेस्ट पर हमारे पास नौ वार्निंग्स मिली है एंड हमारे रियल एग्जाम पर भी हमें नौ वार्निंग्स मिलेंगी उसमें सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो वार्निंग्स होंगी एंड ऑटोमेटिकली आपके थर्ड पर जो हमारा विंडो है वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा सो so, ये वाली चीजें आप मेक श्योर की आप रियल वाले जो हमारा ओरिजिनल टेस्ट होगा उसमें ना करें एंड मेरी सारी वार्निंग्स के बाद ना मैंने अपना दोबारा कोशिश करा कि एक बार मैं अपना मॉक टेस्ट दोबारा रीअपेयर करके देख सकूँ ये देख सकते हो मेरे पास ये मेरा ओपन ही नहीं हो रहा था लिखा हुआ आ रहा है कैंडिडेट कैंडिडेट टेस्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड तो मैं इसको नहीं कर पा रही थी एंड जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम मॉक टेस्ट के लिए दोबारा रीअपेयर कर सकते हैं देखो अगर आप सेम आई से करोगे जो आपका जी मेल आई अगर आप सेम आई से उसको रीअटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होएगा ठीक है एंड अगर आपको करना ही है रीअटेम्प्ट आपका मॉक टेस्ट तो मेक श्योर कि जो आपका जी मेल है वो आप अपना स्विच करके या फिर जो आपका पर्सनल मेल आई मतलब बेसिकली हमें सेम मेल आई से अपना दोबारा मॉकटे से अपीयर नहीं करना क्योंकि नहीं होगा अगर एक बार आपका सारा अटैम्प्ट खत्म हो गया अगर आप करना चाहो तो आपका जी मेल चेंज करके आप अपना रीअपियर कर सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है एंड इसके बाद मुझे आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी जैसे कि आप अपने सेटिंग्स में जाके ना एक बार ये अपना रिफ्रेश रेट चेक करना जो आपका लैपटॉप या पीसी जिस पे भी आप काम करना चाहते हो अब मैं सिंपली सर्च कर रही हूँ रिफ्रेश रेट मेरे पास ये व्यू एडवास डिस्प्ले पे हम जाएंगे ना आप नीचे जाना एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये हर्ट शो कर रहे हैं चूज़ अ रिफ्रेश रेट रेट लिखा हुआ है ना ये बेसिकली हमारा एक तरह का लैपटॉप का प्रोसेसिंग स्पीड होता है ठीक है अगर सिंपल लेम एंड टर्म्स में बात करूँ ना तो ये रिफ्रेश रेट है एंड ये मेरे लैपटॉप पर आप देख सकते हो कि मेरे पास दो रिफ्रेश रेट है वन एड सिक्सटी हार्ड्स एंड वन फोर्टी फोर हार्ट एंड वन फोट फोर्टी फोर हार्ट पे ही मैम रखूंगी सो so दैट जो मेरा प्रोसेसिंग है ना वो बहुत फास्ट हो सके आ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सी कॉन्फिग्रेशन का आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगी मेरे अकॉर्डिंगली आपको सबसे हाइएस्ट जो आपका रिफ्रेश रेट है ना वो अपना एड ऑन करके रखना तभी आपका जो एग्जामिनेशन है ना वो बहुत स्मूथली हो पाएगा लाइक ना जैसे स्लो प्रोसेसिंग होती है कई बार हमारे स्लो रिफ्रेश रेट की वजह से तो आपको ये वाली दिक्कत नहीं होगी तो जैसे मेरे पास मेरा सबसे हाईएस्ट जो मेरा रिफ्रेश रेट है दट इज़ 144 फोर्टी हर्ट्स तो मैं इसको चूज़ करूँगी सिंपली एंड उसके बाद आप ये बेसिक जो हमारे कर्सर होता है कर्सर की भी सेटिंग देख सकते हो अगर आपको थिकनेस बढ़ानी है आप ये देख सकते हो मेरे पास थिकनेस बढ़ रही है जैसे मैं अपना इसको स्लाइड कर रही हूँ एंड टेक्स्ट कर्सर जो इंडिकेटर है ये जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर वर्ड तो इसके लिए है एंड मेक श्योर की जो आपका कर्सर का स्पीड है ना वो ज़्यादा हो क्योंकि ये आपका काफ़ी हद तक का आपका हेल्प करेगा फॉर दिस सीमलेस एग्जामिनेशन माउस पर जाऊँगी मैं सिंपली लिखा हुआ है कि सकते हो माउस पॉइंटर स्पीड हमें देख रखा है हम यहाँ पर मैं अपना मिड में रख दूंगी और ये हमारा प्राइमरी माउस बटन ये तो नॉर्मल है एंड ट्रोलिंग का भी आप थोड़ा सा सेटिंग देख सकते हो बेसिकली आप एक बार सेटिंग्स अपनी सारी चेकआउट चेक कर लेना एंड अपनी स्पीड से रिलेटेड एंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं मेक श्योर की एक बार आप अपना सारा सेटिंग करके रखो एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट एंड ये हमारा पॉइंटर स्टाइल है किस तरीके से आपको रखना है एंड साइज को भी आप कर्सर का साइड साइज भी यहाँ से अपना अपना मेंटेन कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस एंड यहाँ पर नीचे जाके मेरे पास टच पैड पे मेरा कर्सर स्पीड आ रहा है तो कर्सर स्पीड आप देख सकते हो मेरा फुल है एंड यहाँ पर आराम से मेरा जो है आप देख सकते हो बहुत स्मूथली डन हो रहा है एंड यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूँगी अपनी सारी सेटिंग्स करने के बाद तो ये मैंने अपनी ऑलमोस्ट अपनी, अपनी सारी सेटिंग्स कर ली है ये रिफ्रेश कर रही हूँ मैं स्क्रीन एंड आई होप कि मैंने अपना सारा हद तक कवर कर दिया होगा गाइज प्लीज़ एक बारी देख लेना वीडियो में अगर मेरे से कोई सेटिंग छुट गई हो या फिर मुझे नहीं याद रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना मैं अपना कहीं भूल ना गई हूँ गलती से एंड ये बेसिक सेटिंग थी जो मेरे अकॉर्डिंगली आपको करनी चाहिए एंड मेक श्योर कि आपका जो पॉपअप्स है नोटिफिकेशन है वो ऑफ हो आपको पता है कि, कि किसी भी टाइप का हमें पॉपअप अपना या फिर कोई नोटिफिकेशन अलाउड नहीं है ड्यूरिंग आर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ठीक है तो फिर आई uh, होप कि मैंने आज की वीडियो काफ़ी हद तक अच्छा से एक्सप्लेन करा होगा एंड आई होप कि आपको हेल्पफुल रही होगी वीडियो आज की अगर गाइज थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड uh, प्लीज इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना सो दैट कि आपके फ्रेंड्स एंड बैचमेट्स की और भी हेल्प हो सके एंड वो भी अपना बेसिक सेटिंग्स को इन लैपटॉप में एंड अपनी पीसी में कर सके फॉर दियर सीमलेस ऑनलाइन एग्जामिनेशन सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग थैंक यू